मंगलवार को नगर निगम परिसर में सपा के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में अघोषित बिजली कटौती और जल जमाव की समस्याओं को लेकर नगर निगम प्रशासन का घेराव किया। इस दौरान निगम परिसर में महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह की अनुपस्थिति होने पर सपाई और उग्र हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीते दिनों लगातार 3 दिन हुए बारिश के कारण महानगर में जल जमाव होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कुछ जगहों पर तो अभी भी पानी जमा हुआ है, तो बहुत से ऐसी जगहों पर जल जमाव की समस्या के बाद छिड़काव ना होने की वजह से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। इसीलिए महानगर समाजवादी पार्टी इस जनहित मुद्दे को लेकर प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जियाउल इस्लाम ने कहा, समाजवादी पार्टी के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग नगर निगम में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। अभी पिछले दिनों वर्षा के नाते पूरा महानगर जल सैलाब में बदल गया। जैसे लग रहा था कि गोरखपुर महानगर के अंदर एक नया वाटर के पार्क पूरे महानगर के अंदर बना दिया गया हो। करोड़ों करोड़ों की क्षति व्यापारी और यहाँ के शहरवासियों के मकान की हो गई। लगातार नगर निगम की बोर्ड के बैठक में समाजवादी पार्टी के सभी पार्षद साथियों ने जल निकासी की समस्या को उठाने का काम किया। आज नगर निगम के अंदर बजट के नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। 1 रुपया सरकार की तरफ से अनुदान नहीं दिया जा रहा है। पूरा शहर जल भराव के नाते परेशान हो गया है। अगर भी अभी कुल 1-2 दिन की बारिश हुई है, पूरा मानसून बाकी है। समाजवादी पार्टी की लगातार मांग रही है, कार्यकारिणी समिति की बैठक में और बोर्ड की बैठक में मांग रही है कि जल निकासी की समस्या मानसून से पहले दूर कर ली जाए। मगर गोरखपुर के नगर आयुक्त और महापौर और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक जल निकासी के बारे में कोई योजना नहीं बना पाए। गोरखपुर का जो झारखंडी वाला नारा है, जो हमारी सरकार में पूर्ण किया गया था, आधे से ज़्यादा काम हो गया, 1.5 साल हो गया सरकार बने, वो का योजनाओं को रोक दिया गया। और आज गोरखपुर के अंदर जल भराव के नाते पूरे महानगर के वासी परेशान हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है, अगर जल निकासी का काम त्वरित कार्रवाई सरकार और नगर निगम प्रशासन महापौर नहीं करते हैं, तो समाजवादी पार्टी अगला आंदोलन, जितना भी जल भरा रहेगा, जितनी भी बाल्टी और मग्गे की व्यवस्था हो पाएगी, हम लोग बाल्टी बाल्टी पानी इकट्ठा करके गोरखपुर के जो महापौर उनके आवास पर और जो उनके विधायक और लोग हैं उनके आवास पर फेंकने का काम करेंगे। वो स्वच्छ भारत का अभियान केवल कागजों में चल रहा है। गोरखपुर के अंदर जो बाथरूम बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, नगर निगम के अधिकारी 7,000 रुपये के अंदर से 3,000 रुपये सीधे जनता से मांगने का काम कर रहे हैं। गोरखपुर के अंदर जो शास्त्रीय चौराहे पर फव्वारा बनाया गया 80 लाख रुपए का, अभी वो चालू भी नहीं हुआ। वहाँ की टाइल्स और वहाँ की सीसी जो फाउंडेशन बना था वो टूट रहा है। लगातार भ्रष्टाचार के नाम पर हो रहा है। गोरखपुर का जो चीफ इंजीनियर है जो नगर निगम का, वो आगरा से और मुरादाबाद से ठेकेदार को बुला के ठेका दे रहा है। सारे नियम कानून को तोड़ के ठेका देने का काम कर रहा है। केवल धनवाही का काम नगर निगम का प्रशासन कर रहा है। हम सरकार का ध्यान इधर भी आकर्षित कराना चाहते हैं। अगर इसको रोका नहीं गया तो समाजवादी पार्टी दो हाथ सरकार से और नगर निगम प्रशासन से करने को पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है।